नमस्ते, आज हम आपको अगले हफ्ते की मार्केट आउटलुक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे। जुट रहे हैं हमारे साथ श्री इमरान वोरा, वीपी इक्विटी रिसर्च। जीपीएल कैपिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट स्टॉक मार्केट नॉलेज और अपडेट के लिए बाजू में दिए हुए बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हमारी चैनल की आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, करंट सप्ताह में हमने देखा कि मार्केट 17,532 के लेवल पे क्लोज हुआ है और पूरे वीक के दौरान 321 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो ये गिरावट 2% से स्लाइटली कम रही है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के पूरे वीक के दौरान के कुछ ऑब्जर्वेशंस या अवलोकन इस हिसाब से प्योरली टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। करंट सप्ताह में हमने देखा कि मार्केट ने अपने वीकली चार्ट्स पे इनसाइड वीक कैंडल फॉर्म की है, स्पेसिफिकली लाइफ टाइम हाई लेवल पे, जो ये सूचित कर रही है कि आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट्स पे निफ्टी ने एक बियरिश कैंडल फॉर्म की है, जो ये सूचित कर रही है कि मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, स्पेसिफिकली हायर लेवल्स पे। निफ्टी अपनी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे डेली चार्ट्स पे क्लोज दिया है, जो ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ कॉशियसनेस या सावधानी बरतने की जरूरत है, स्पेसिफिकली लॉन्ग साइड की पोजीशंस के लिए। डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स मेजोरिटी निफ्टी के 55 के मार्क के इर्द गिर्द है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो ये सूचित कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर लैक ऑफ बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट को देखा जाए तो क्रूशियल सपोर्ट मार्केट के लिए 17,254 है, जो उसका प्रीवियस 4 वीक लो है, और उसके नीचे 17,055 है, जबकि मेजर सप्लाई एरिया 18,111 है और उसके ऊपर 19,046 है। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए निफ्टी ट्रेड करने की क्या रणनीति होनी चाहिए, तो क्योंकि लार्जर डिग्री का ट्रेंड स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव साइड पे है, 17,254 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ये स्टॉप लॉस एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के लिए सेम रहेगा। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कैसा दिख रहा है। करंट वीक में हमने देखा कि बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट निफ्टी के साथ सिंक्रोनाइजेशन में ही मूव हुआ है। करंट वीक में बैंक निफ्टी ने एक न्यू लाइफ टाइम हाई एस्टैब्लिश किया है 38,377 का, बट वीक के दौरान एक हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 37,300 के लेवल के भी नीचे आ गया है। डेली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी ने एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन फॉर्म किया है, हालांकि अपनी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देने में सफल रहा है, जो ये सूचित कर रहा है कि मार्केट के अंदर बुलिश साइड पे थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, हालांकि अभी भी ट्रेंड अपसाइड का ही है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स बैंक निफ्टी के 50 के मार्क के इर्द गिर्द है, जो ये बता रहा है कि मोमेंटम लैग कर रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाए तो की सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए 36,151 है, जो उसका प्रीवियस 4 वीक का लो है, और उसके नीचे 35,708 है। हायर साइड में मेजर सप्लाई जोन 39,057 है और उसके ऊपर 41,100 है। आने वाले वीक के लिए हमने 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जिनमें पोटेंशियल है ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करने का। सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड M&M लिमिटेड, जिसको 820 के मार्क पे बाय किया जा सकता है, जिसका स्टॉप लॉस 780 आता है और ये स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल 880 तक का है। दूसरा स्टॉक्स है अमर राजा बैटरीज लिमिटेड, जिसको 760 के लेवल पे बाय किया जा सकता है, जिसका स्टॉप लॉस 728 आता है और ये स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल 815 तक का है। तो दोस्तों, इस वीक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। और अगर आपको हमारा टेक्निकल व्यू और हमारी पिक्स पसंद है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट है आपसे, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए भी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.
Investors must make their own investment decision based on their specific goals, financial position, and risk appetite. The content provided herewith is purely for information and educational purpose only.